तो जी ये हमारे तला भाई हैं, जिंदगी में पहली दफा केएफसी खाने लगे हैं। अगर ये यूरेनियन गाड़ी होती तो शायद सातवां गेयर भी लग रहा है। यूरेनियन दादी, यूक्रेनियन है, यूरेनियन कोई चीज नहीं है। अब तो हम यही बोलेंगे यार, ड्राइवर को कटो यार। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो जी हम वेट कर रहे हैं वलीद भाई का, जिन्होंने बोला था मैं 7 बजे आ जाऊंगा, और ये देखिए टाइम क्या हुआ है, इतने टाइम पूछा नज़र आ रहे हैं। खैर 7:30 हो गए ना, तो वलीद भाई अभी तक नहीं आए। ये सारा कसूर है श्याम भाई का, क्योंकि श्याम भाई को पता था कि हम व्लॉगिंग स्टार्ट करने लगे हैं, तो उन्होंने सोचा पहले मैं मेकअप कर लूँ। अब वो मेकअप शेकअप कर के तैयार हो कि बेहतरीन बीबा बच्चा बांध के आ रहे हैं। अब हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे ही वो आते हैं फिर हम आगे निकलेंगे। और आज का हमारा एक ट्रिप है जो कि बहुत मज़ेदार होने वाला है इंशाल्लाह, जिसके लिए हमने तैयारियां भी की हुई हैं। सो आके आके देखिए होता है क्या। हैव अ नाइस डे। यो अस्सलाम वालेकुम जी। इस तरह के लोग भी हमारे साथ जा रहे हैं पर वहाँ पे जो है ना, एक बात मैं आपको बता दूँ डॉक्टर साहब, वहाँ पे ना हाइजीन का कोई इंतजाम नहीं है वहाँ पे जो है ना, बहुत ज्यादा नेस्ले का वाटर मिलेगा वहाँ पे, वाटर भी नहीं मिलेगा आपको। नो नेस्ले, ओके, यू हैव टू ड्रिंक फ्रेश फ्रेश वाटर, फ्रेश। यू वांट ड्रिंक फ्रेश वाटर? न्यूरोलॉजिस्ट रिकॉर्ड हो रही है। न्यूरोलॉजिस्ट क्या 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 कहा आपने? ये हमारे भाई, ये हमारे साथ जा रहे हैं, ये माशाल्लाह यूरोप सॉरी यूक्रेन से आए हैं। हेलो जी। तो जी जहाँ तक मेरा ख्याल है श्याम भाई दरवाज़ा खुला छोड़ गए थे, अब ये भाग के लेके आए बोतलें, दो बोतलें लेके आए। एग्जैक्टली यार, तेरे पास चाबी नहीं थी, किस तरह आया? हाँ, तेरे पास तो घर की चाबी नहीं है। एग्जैक्टली हम निकलने लगे थे, ये हमने बोला इसको स्टिंग लेके आओ, तो भागता गया है क्योंकि इसको याद था कि दरवाजा बंद हो गया है। अस्सलाम वालेकुम। तो फाइनली हम स्वेक लेक के लिए निकल चुके हैं, तो विद इन 5 to 6 hours हम वहाँ पहुँच जाएंगे। ओके गाइस, हम जा रहे हैं शॉप पे खमा। यस, तुझे यहाँ से कुछ आ रहा होगा कुछ लेने के लिए, एज यूजुअल मेंटोस तेरी वो, ये है आम जिंदगी, ये है मेंटोस। तो जैसा कि आपको नहीं पता, आपस की बात है, हमें भी नहीं था पता, हमारे जो डॉक्टर हैं उनमें एक हिडन टैलेंट है जो कि अभी वो कूट कूट के निकाल रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको रिकॉर्ड किया जाए। ओहो, सब तालियां, बिग हैंड फॉर मिस्टर न्यूरोलॉजिस्ट। यस, चले जी फिर से उड़ चला, उड़ छोड़ा है चांदनी जवाब तुम्हारे भू हवाले, अब दूर 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 ये वादियाँ, फिर धुआं धुआं तनहर बदली चली आती है छूने, कभी कोई बदली कभी कहीं कर दे तनगी लागे बीमा हो, किसी मंजर पर मैं रुका नहीं, कभी खुद से बीमा मिला नहीं, ये गिला तो है मैं खफा नहीं, शहर एक से गांव एक से लोग एक से नाम एक वो, फिर से उड़ चला। मैंने आपको कहा था ना, और आपको भाई की सिंगिंग कैसी लगी है ये आपने कमेंट कर दिया, पसंद नहीं आई? नहीं, और गए हम इनको साथ लेके जाएंगे, अगर हम ये हमारे ट्रैवलिंग पार्टनर बन जाएंगे अगर ये हमें इसी तरह एंटरटेन करते रहे। मास्क लेने? और मास्क यहाँ से यार, ये क्या बंदा ही मास्क लेने आया, तू घर से नहीं लेके आया? अच्छा, तो हम तीन लोग इतनी बड़ी शॉप पर गए और लेके क्या आए? सिर्फ मास्क। वेरी नाइस, ये देखे मास्क, वो मास्क मुझे दे तो दिया, मैंने पहनना फिर भी नहीं है। हम पहुँच गए हैं बेरा इंटरचेंज और हम खाना ढूंढ रहे हैं, सुबह के 11 बजे हैं और यहाँ पे ना KFC कोई रेस्टोरेंट तो खुला नहीं। डॉक्टर इतना बोला ना कर, मेरी नींद आहो। अच्छा, पूरा रास्ते सोस हो गया है, पूछ रहे हैं कुछ और मिला नहीं, चलो आ जाओ इधर KFC में आ जाओ। जी जी सर, आ जाओ आ जाओ।
इट्स अ वीडियो बाय द वे, आप व्लॉग में आ गए हैं, कांग्रेचुलेशन। ये भाई भी है, ये वलीद भाई है। क्या आप यार कोई गाना सुनाए यार, कोई गाना नहीं यार, गाना सुनाए ना जल्दी जल्दी। वक्त की कैद में जिंदगी है, मगर चंद घड़ियां यही है जो आजाद है, चंद घड़ियां यही है जो आजाद है, इनको खोकर मेरी जाने जा, उम्र बढ़ना तरसते रहो, आज जाने की जिद ना करो, और अगर जिद की तो तुमको करो ना हो। Have a nice day. तो फाइनली अब ड्राइविंग की बारी आ चुकी है मेरी। क्या फिलहाल झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, केएफसी खा रहे हैं। भाई आप लोगों के लिए अपडेट है कि जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं स्वे क्लिक, ये जो टनल आपको मैंने अभी दिखाई है, इसमें से नहीं गुजरना क्योंकि ये गलत रास्ता है। एक सेकंड, वो सही, हमारे 10-15 मिनट जाए हुए हैं, तो आप लोगों के लिए हम एडवाइस दे रहे हैं कि यहाँ से नहीं गुजरना, आपने पीछे मुड़ना। अभी हम आपको अपडेट देते हैं, अभी आपको बोर्ड दिखाएंगे क्योंकि किसी बंदे ने गलत रास्ता दिखा दिया होगा गूगल मैप्स पे, तो हम आपको वहाँ से दिखाएंगे। इंशाल्लाह हम अपडेट करेंगे ताकि आप ताकि जो आपका मसला हुआ है ना, जिस जैसे हम जलील हुए हैं, आप लोग ना हो। आप लोगों ने लगाना है ये सोएक लेक पार्किंग का, और इसको फॉलो करना है आपने, खाली सोएक लेक का नहीं लगाना। तो उम्मीद है कि अब हम जहाँ जा रहे हैं और जो भाई ने जगह बताई है, इंशाल्लाह वो जगह वही होगी, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। फिर हम कंफर्म जल्दी होते ये आ गया दूसरा टनल जो मेन वाला था जहाँ से मैं जाना था, तो ये वो टनल है बेसिकली जिसकी तरफ हमने जाना है। और जो लास्ट टाइम मैंने देखी थी मुझे लगा वो यही है। मैं अपने नाज़रीन को एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आपका दिल बड़ा है तो आप कोशिश करें गाड़ी आगे लेके आएँ, क्योंकि आज इतना लंबा ट्रैक है कि बंदा वैसे ही थक जाता है। बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी लेके आएँ, मैं कहता हूँ। मैंने गियर भी नहीं लगाया, मैनुअल पे गाड़ी देखी है, बिल्कुल गाड़ी उतरती गई है और फाइनली हम यहाँ पहुँच गए। बिल्कुल अब 10 मिनट में हमने नीचे जाना है और स्नेक लेक आ जानी है। और अगर आपकी गाड़ी ऑटो हो तो ऑटो पे रखनी है आपने, मैनुअल पे। और गाड़ी का एसी जरूर चलाना है, हमारे ड्राइवर एसी नहीं ऑन करते। चलो आओ लाइफ जैकेट निकालो, निकालो छोटे, ये इसको अच्छा तू जाके 250 रुपए किराए पे ले चल। डॉक्टर साहब काइंडली अगर आप मेरे लाइसेंस बंद कर दे, ये अब आपकी शान में कुछ नहीं होगा। अच्छा चलिए मैं खुद ही कर लेता हूं। ये आ गया बकरा, यार ये हमारे डॉक्टर साहब बकरी हाँ मंदी बनाते हैं इसकी। ओए ये तो आ रही है, हाँ ओए ये तो बाकी बकरा है, वो हमारे साथ है। अरे क्या फॉलो करते हैं वो हमारा, हमने फेसबुक पे हाँ सब्सक्राइब भी किया हुआ है। डॉक्टर तुझे क्या बता, तू यूरेनियन से उठ के आ गया, आ जा। तो सीन ये है कि जब आप दूसरी पार्किंग पर आ जाते हैं तो एक छोटा सा ट्रैक है, जाके छोटा सा रहा है ये, तो जब जाएंगे तो तब पता लगेगा। तो बाकी सीन हम आपको पहुंच कर दिखाएंगे, अभी हम आपको वलीद और ताहा का शुगर दिखाएंगे, और हमारे डॉक्टर साहब, हमारे कॉन्शियस डॉक्टर साहब। चल अब दे जवाब, वो दोबारा बोला तू बे। मैंने भाई शाहरुख श्याम 10 रुपए का फिर से मलंग सी हो गया। जब पार्किंग में गाड़ी खड़ी करेंगे तो आपने वहाँ से नीचे जाना है, और जा ही जाना जब आप, हाँ, जब तक आप मार नहीं जाते। हाँ तकरीबन 20-25 मिनट की हाइक है, तो आपकी मर्जी है, अगर आप जूती पहने जॉगर्स पहनेंगे ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, और जूती अगर नंगे पांव आएंगे तो बेहतरीन हो जाएगा। हाँ तो ये है कि मोटा लड़का होगा तो उसको घंटा भी लग सकता है,
अगर पतला हो चढ़ते वक्त तो कोई मसला नहीं, चढ़ते वक्त मसला होगा। अभी वापसी में देखेंगे क्या सीन है, अभी तो हम बस जाते जा रहे हैं जाते जा रहे हैं जाते जा रहे हैं। हमें बस पानी की आवाज़ आ रही है, आबशार की आवाज़ आ रही है, बस वही उसकी वजह से हमारी मोटिवेशन हाई है। यस, पहुँचने वाले हैं इंशाल्लाह। तो फाइनली द वेट इज ओवर, बिल्कुल हम थक चुके थे और फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम सही सलामत लेक तक पहुंच चुके हैं। 1, 2, 3। हाँ जी, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। हाइक अच्छी थी? हाँ जी। हाँ से हम क्या हुआ दे रहे हो, कह रहे हैं ओ नाइस, वो अभी मिल रही है क्योंकि वो आईडी कार्ड नहीं था तो हमें ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। कितने पैसे हैं जैकेट के? 250 रुपया, लेकिन 500 रुपया आप देना पड़ेगा। जितना मर्जी 200 है, 200 जितने मर्जी टाइम। नहीं तो क्या आईडी कार्ड वगैरह कितना? नहीं खा वो, बस वो कह रहे हैं कि सिक्योरिटी में एज अ सिक्योरिटी आप 250 एक्स्ट्रा दे के जाए। ठीक है, एज अ डॉक्टर इज माय ड्यूटी। ये हैं कौन सी लेनी है, पिंक वाली? नहीं, ऑरेंज लेते हैं। ऑरेंज इसके नीचे पड़ी है, ब्लू ये सही है। और कितनी स्पून और ट्रे और यार ये नहीं कर रहे हैं। दिस इज वेरी नाइस ब्यूटीफुल प्लेस, यू शुड डेफिनेटली विजिट। ओके नाउ वी दिया नाज़रीन, अब बलीद बकार पानी में उतरने लगे हैं। या अल्लाह पानी की खैर करी। तो भाई मैं फ़र्स्ट टाइम आया था स्वेक लेक और इट वाज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। माशाल्लाह से बड़ी अच्छी जगह है, बड़ी प्यारी सीनरी है। तो जिन जिन लोगों ने नहीं विज़िट किया वो लाजमी आएँ और अपनी फैमिली को भी लेके आएँ और ये सीनरी देखें, मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। तला भाई मज़ा आया आपको? मुझे बहुत मज़ा आया। सयाम आपको मज़ा आया? अच्छा सा, बहुत मज़ा आएगा, मज़ा आया। कहाँ भाई? कहा मजा आया? बहुत डाटो मजो आयो, इन डाटो मजो आयो, इन डाटो मजा बड़े डाटो। मेरी पैंट ही गैप हो गई भाई। आपको मजा आया? ये देखो, हेलो। हम अब स्वेक लेक से वापस आ गए हैं। माशाल्लाह बड़ा मज़ा आया, हमारा फर्स्ट टाइम था। तलहा जरा रिव्यू दे दीजिए, कैसा था स्वेक लेक, कैसा लगा? बहुत मज़ा आया लिटरली, वाकई नई जगह एक्सप्लोर की है फर्स्ट टाइम। और वाकई मैं तो सबको रिकमेंड करूँ घूमना है, लेकिन एक बात है, जॉगर पहन के शूज़ पहन के ये जगह जो है ना ये बहुत। तो हाँ, आप गाड़ी आगे तक लेके आ सकते हैं, पर अगर आपके पास कोई जीप हो तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। आप कोई 4X4 में हो ज़्यादा आसान हो जाएगा। अच्छा ड्राइवर हो लाइक मेरी तरह, 4X4 हो तो आप नीचे तक आ सकते हैं। और गर्मियों का तोड़ है, आप आएँ, पर ऊपर आते वक्त आपको पसीना आ जाएगा, तो पानी लाजमी एक साथ रखिएगा बोतल। और यहाँ का जो पानी है वो इतना साफ़ नहीं है, तो कोशिश कीजिएगा कि आप 3-4 बोतलें अपनी ले आएँ, कूलर ले आएँ छोटा सा। और बराए मेहरबानी मैं एक बात कहना चाहता हूँ पाकिस्तानियों से, काइंडली अगर आपको कोई ऐसी जगह मिल जाती है जहाँ पर आप इंजॉय कर सकते हैं, ये पिकनिक मना के वहाँ पर गंद ना डाला करें। उधर साइड पर ऑयल की स्मेल, पता नहीं क्या क्या लोगों ने बोतलें फेंकी हैं खा पी के, बड़ा दुख हुआ देख कर। लेकिन यार अब कोशिश किया करो, साथ शॉपर लेके आया करो,
ताकि जो आप खाते हो ना वो आप वापस लेके जा सको कहीं पे किसी डस्टबिन में फेंको। शुक्रिया। ओके, क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान। देखें ये बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है, ये खंडोवा लेक की तरफ जा रहा है, ये टेम्पल की तरफ जा रहा है, आपने इस तरफ जाना है और आगे से आपको रोड नज़र आएगा। और जब आप जाएंगे तो आगे आप गूगल मैप्स पर लगा दें स्वेक लेक पार्किंग, तो बेहतर होगा आपको पहुंचने के लिए, ना कि स्वेक लेक लगाएंगे क्योंकि वो एक गलत रास्ता है। जी हाँ मेरे बहनों और मेरे भाइयों, हम पहुंच चुके हैं दोबारा बेरा इंटरचेंज पे कुछ खाना पीना। और आप क्या खाओगे बेटी? अब हम कुछ सोच रहे हैं क्या खाएंगे और उसके बाद हम घर की तरफ निकलेंगे, गुजराला की तरफ, जो कि तकरीबन 2-2.5 घंटे की ड्राइव है यहाँ से हम। यस, इंशाल्लाह हम 2-2.5 घंटे में घर रहोगे। 8:30-9 बजे तक हम घर रहोगे और फिर हम जाके बिस्तर में ब्लॉग के थ्रू हम चाहते हैं कि ये जो हमारे जो भी हैं बैठे हुए हैं जो रोड्स वाले काइंडली आप यार मोटरवे गुजरा वाला की भी निकाल दें यार, हमारा बहुत टाइम ज़्यादा होता है। काइंडली अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज़, आपकी मेरे प्लीज़ जाने के लिए जाती है। 2021 की सबसे बड़ी टेंशन ये है कि मास्क नहीं है, गाड़ी में भूल गया ना, क्या करें, मजबूर हैं, आपसे दूर हैं तो दूर है। आपने कहीं भी जाना है मास्क लेकर जाइएगा, बेशक आप दुनिया से बाहर भी हैं, कब्र में भी आपको मास्क लेकर जाना पड़ेगा, वहाँ पे भी बंदा कब्र में ही है। हाँ, पर सुकून कब्र में ही है। गाड़ी में से ले ना, गाड़ी में से गाड़ी में। तू किधर जा रहे हैं? वो भाई कह रहे हैं वहाँ से भी मिल सकता था लेकिन हमें गाड़ी से ही लेनी है। बोलो तो मैकडॉनल्ड्स वाले हमें कहते हैं पुत्र छुट्टी करो, चलो मास्क पहन के आओ। अब यहाँ पे कहीं है नहीं जो मास्क बेच रहा हो, गाड़ी में गए हैं और आपस की बात है ये नीचे पड़ा था, मैंने उठा दिया। अभी बिस्ती तब होगी जब उन्होंने कहना है कि आप चार लोग सिर्फ एक ही अंदर जाएंगे। और हमने पता क्या कहना है, हम अलग अलग चीज़ें लेने आए हैं और सब ने मास्क पहना है, अब सब पहन के आए हैं। उधर नहीं ऑर्डर करना पेंडू लोगों। अब हमने तला भाई के पैसों से लिया हुआ बगैर ले लिया है, तला की तरह दिखाओ। ओके जी हाँ नाज़रीन, यहाँ पे मरियम नवाज़ साहिबा भी आ गई हैं और टिकटॉकर। आपने मुझे अंकल टिकटॉकर कहा है, ये गलत बात है। खाना खा लिया, पेट भर गया, अब हम वापस गुजराला की तरफ जा रहे हैं। हमारे रास्ते में मरियम नवाज़ मिली हैं और अब हम घर जा रहे हैं। वो कह रही थी आप घर पहुँचे मुझे बता देना। तला के पैसों में ना जादू है, लाइक वो जादू है, उसमें इतना मज़ा आता है, मैं कहता हूँ वो जो सॉस है ना वो एक्स्ट्रा अच्छी हो जाती है। नींद आ गई ना खाना खा के? मैं कहता हूँ इसके जो इसके माल का मजा है ना किसी के भी नहीं, अपने पैसों का तो उठे नहीं ना। वलीदे वो खवातीन का वॉशरूम है और वो लेडीज का, तू कहाँ पे जाना पसंद करेगा? लेडीज लद्दी 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 क्या है? मैं जेंट्स वाले में जाऊंगा क्योंकि खवातीन वाले मैंने पूछे नहीं है। लेडीज मैंने कहा खवातीन वाले वॉशरूम में जाएगा या लेडीज, तूने कहा लद्दी। अच्छा तो मैंने वलीद को 4-5 दफा बोला कि भाई पेट्रोल ज्यादा डलवा लो, ज्यादा डलवा लो। अब हम फिर 2000 का एक्स्ट्रा पेट्रोल डलवाया। वलीद मैं तुम्हें कह रहा था ना डलवा लो यार, असल में बात बुला के सब PSO मेरे हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं हर PSO से बारी बारी डलवाता हूँ 500 का करके, ताकि मैं सरप्राइज विजिट दूँ, मैं देखूँ उनको कि वो कैसे काम कर रहे हैं। ये समझता नहीं है बात को यार, ये इसको कहते हैं क्वालिटी इश्योरेंस चेक करना, आपको नहीं पता ये चीज़ें। वेरी नाइस, चलो ठीक है। दुनिया के जिस मर्जी कोने पर चले जाओ लेकिन जब हम ये देखते हैं ना कि गुजरांवाला टूल प्लाजा कितना मज़ा आता है, पुलिस बहुत मजा आता है, दिल खुश हो जाता है कि यार अपना शहर होता भाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, थैंक यू सो मच, हम घर पहुंचते हैं। अगर आपको ये मेरी बारी थी, अगर ये व्लॉग आपको पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर जो जो भी होता है सब्सक्राइब आप कर दीजिए, और आपका बहुत शुक्रिया आपने हमारा व्लॉग एंड तक देखा। और कहा भाई आपकी बारी, हैव अ नाइस डे, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। ओके बाय बाय।